हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दिनेश, पहाड़ी भाई नेचर से। तो शुरू करते हैं आज का अपना नया व्लॉग। तो गाइस, गुड मॉर्निंग। और इस वक्त समय हो रहा है 7:30 और हम सब लोग उठ चुके हैं। यशस्वी और नीतू वो यहाँ पे है, देखिएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। यशस्वी गाइस यहाँ पे सो रही है। यशस्वी देखो इधर, सी, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। तो गाइस, इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा हुई रात को। हम सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और यहाँ पे है नीतू, यशस्वी और यहाँ सोए थे दादू और मैं। और ये यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे वॉशरूम था और ये कुछ इस तरीके का हमारा ये रूम था जो इस वक्त ऊपर से दिखता है। ये आ गए दादू। दादू इधर देखो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दादू सवेरे 4 बजे उठ गए थे। 4 बजे उठ के अपना ब्रश करके, चाय पी के, थोड़ा सा बाहर वॉक करके, और अब यहाँ ये लड़की जो है सो रही है, जो सवेरे 4 बजे उठ के दादू को, दादू सनराइज हो जाएगा तो मुझे उठा देना। देख रहे हो दोस्तों, ये है इसकी हालत। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसी बाहर देखने का इतना सुंदर नजारा आ रहा है अभी। वाओ, चलो गाइस उठते हैं, चलो चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलो 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 चलो। ये गुड मॉर्निंग, गुड। तो गाइस, इस वक्त ये लोग यहाँ से नीचे उतरने के मूड में लग नहीं रहे क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है। यशस्वी को देखो, ये अभी भी जेब में हाथ डाल के बैठी हुई है। बहुत ठंडा है गाइस, पर मजा खूब आ रहा है। यहाँ है सीढ़ियाँ जिससे हम लोग उतर रहे हैं। ये और इस तरीके का कुछ है हमारा नज़ारा। यहाँ है दादू, यहाँ था मैं और ये था हमारा वॉशरूम और इस तरीके कुछ था। और यहाँ है यशस्वी और उसकी मॉम। तो इसने पूरा टाइम अपना यहीं पे बिता दिया। नीतू हाय, ऊपर से आग दिख रही हो सही से। कैसा लगा यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे सोने का? मजा आया कि नहीं आया? अच्छा लगा, एंजॉय किया। चलो तो गाइस, अभी आपको मैं अपने रूम के बाहर का इस नज़ारा दिखाता हूँ। ये है कुछ यहाँ का मॉर्निंग का नज़ारा दोस्तों। ये अपन रोड, और ये था हमारा कॉटेज। पहला कॉटेज था हमारा, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे यशस्वी रुकी हुई थी टॉप फ्लोर पे, इधर पे। तो गाइस ये देखिए, नीतू भी बाहर आ गई। और ये देखिए गाइस, ये है यशस्वी। यशस्वी हाय, पूरा खोलो उसको गेट। ये देखो, ये है लड़की यहाँ पे। ये देखो, मज़ा आ रहा है आपको यहाँ से देख के? तो गाइस, इस तरह का कुछ हमारा कॉटेज था। और इस कॉटेज का नाम मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये कैंप मी नेचुरल रिसोर्ट, नेचर रिसोर्ट। और ये था हमारे कुछ कॉटेजेस। इस तरीके से हम बहुत सारे कॉटेजेस हैं। 4 इयर्स के थे ना, हमने स्टे किया था नीचे। नीचे भी इनकी काफी वो है। दिखाता हूँ, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आपको दिखेगा। हाँ, जब आप आज से करीबन 6 साल पहले जब यशस्वी 4 इयर्स की थी गाइस, तब भी हम लोग यहाँ पे आए थे, इसी प्रॉपर्टी पे आए थे और हमने रात को यहाँ पे स्टे किया था। हम लोग नैनीताल गए थे, नैनीताल से हम लोग फिर यहाँ पे आए थे। इस बार हम नैनीताल नहीं रुके, पिछली बार हम नैनीताल भी रुके थे। तो यशस्वी आपको याद है? क्या याद है आपको 4 इयर्स का? आप बुद्धिमान बनाओ मुझे। टेंट में रुके थे। हाँ, उस टाइम भी प्रकाश अचूत थे। पीछे, पीछे। प्रकाश दादा क्या गिफ्ट दिया था? तो गाइस, लास्ट टाइम पे यशस्वी और हम लोग वहाँ पे रुके थे, कहीं यहाँ पे। ये हमारे वॉशरूम थे। उस टाइम पे इनकी प्रॉपर्टी थी भी नहीं, ये कॉटेजेस भी नहीं बने थे इतने सारे जो थे ना। और नीचे तो गाइस, यहाँ पे नीतू और यशस्वी हो रहे तैयार और पीछे हूँ मैं तो तैयार हो चुका हूँ ऑलमोस्ट।
यहाँ से श्री और नीतू तैयार हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए गाइस, ये दादू पी रहे हैं चाय। चाय हमारी आ चुकी है। तो गाइस इस वक्त सूरज ठीक हमारे गेट के सामने आ गया है। ये देखो गाइस, और ठंडी ठंडी में एक सूरज की धूप की जो रोशनी पड़ती है ना दोस्तों, अल्टीमेटी होती है, उसका मज़ा ही अलग होता है। और इस वक्त तो हम लोग सब फील कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो गाइस इस वक्त सब लोग धूप सेक रहे हैं और हम लोग प्रकाश का इंतज़ार कर रहे हैं। नीतू भी बाहर खड़ी हो गई है और डैडी पूरा, और अच्छी लग रही है ना, है डैडी? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा ना। इतनी अच्छी धूप काश दिल्ली में भी हमको मिल सकती है दोस्तों। तो इस धूप के लिए और इस चीज़ ठंडी ठंडी हवाओं के लिए ही हम लोग इधर आए थे और हम दोनों को मिली। बताता हूँ मैं आपको, वो जो रिज दिख रही है लेफ्ट में, उसके पीछे जो माउंटेन दिख रहे हैं दो, वो हाथी घोड़ी है। अच्छा, एक हाथ आगे वाला हाथी के सिर पे, पीछे वाला घोड़ी के सिर पे। इधर आ जाओगे लेफ्ट में फिर तो, राइट में तो आपका वो नंदा घूमती है। मम्मी पापा वहाँ देखो बादल नीचे आ गए। तो हे गाइस, अभी हम जहाँ रुके थे अपनी गाड़ी को लेके, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ क्या दिख रहा है हमको। यहाँ दिख रहा है हिमालयाज, और ये देखिए गाइज, शायद मेरे वीडियोस में इतना साफ तो नहीं आ रहा होगा, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में बादल दिख रहे हैं हमको। इतना खूबसूरत पूरी हिमालयन रेंज दिख रही है, सुंदर। इसको देख के ही दिल खुश हो गया दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। और उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियोज़ देख के भी आपको भी अच्छा लगेगा। वाह। तो दोस्तों रास्ते में बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, खूब सारी बहुत ही खूबसूरत वैली, जिनको देख के ऐसा लगता है कि बस कहीं मत जाओ, यहीं रुक जाओ। यहाँ से हिमालय इतना खूबसूरत, इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं और हम उनको देख पा रहे हैं। यहाँ की वैलीज इतनी खूबसूरत है दोस्तों, ये पनकोट से कम 15 किलोमीटर आगे की तरफ जा रहे हैं, एक किसी गाँव की तरफ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सड़क पूरी कच्ची है, पूरी ऑफ रोडिंग कर रहे हैं दोस्तों हम। हमारे पास छोटी गाड़ी है और उसके बाद भी हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। हाँ, बट हमारी जो गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ठीक ठाक है, सो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, तो हम निकल गए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ा आ गया दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो ये डेस्टिनेशन जो है बेसिकली एक गाँव है जो पनकोट से करीबन 15-20 किलोमीटर आगे था। और यहाँ पे हमारे आने का जो मेन मकसद था वो था कि यहाँ प्रकाश, जो मेरा भतीजा लगता है, इन्होंने यहाँ पे ज़मीन ली है और ये यहाँ पे अपना जो एक बगीचा बना रहे हैं, बेसिकली एप्पल के पेड़ लगा रहे हैं और कई सारे पेड़ लगा रहे हैं और यहाँ पे अपने फार्मिंग कर रहे हैं। तो इसी के बगीचे को देखने के लिए हम लोग आए थे। तो यहाँ पे कुछ गांव के लोग हमें मिले हैं जिनके साथ प्रकाश बात कर रहा है, डैडी बात कर रहे हैं। और इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं देखिए दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे जो नीचे की तरफ जो खेत हैं वहाँ पे, यहाँ नीचे की तरफ जो खेत दिख रहे हैं आपको, इसमें ही बगीचा बन रहा है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत वैली है, कितना खूबसूरत यहाँ से नज़ारा है पहाड़ों का। तो हम भी यहाँ देखने के लिए आए और देखते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं आगे, आप भी देखिए हमारे साथ। तो हे गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं कौन से गांव में, नहीं तो हम बांसा बांसी बांसी गांव में हैं। और हम लोगों ने यहां पे बहुत सारी जगह देखी, हमने एक ट्रैक किया अभी ऊपर छोटा सा, और दादू भी ट्रैक करके आए हमारे साथ और आपको दोस्तों। तो गाइस यहाँ पे देखो नीतू और दादू दोनों को दोनों ट्रैक कर रहे हैं, और
बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है इन लोगों को ट्रैक करने में। तो हे गाइस, फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं। तो हमने यहाँ की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे चीज़ें करी, एक्टिविटीज़ करी, थोड़ा ट्रैकिंग भी करी। तो हे गाइस, अभी हम चल रहे थे तो हमको चलते चलते दो सुंदर से कॉटेज दिखे और उसके ऊपर हमें एक और चीज़ दिखा। दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके आपको। देखो गाइस, ये एक पूरा एक बड़ा सा पत्थर है और उसके ऊपर एक मंदिर बना जो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। Hey guys, finally हम लोग निकल गए हैं पनगोद से, जो कल हमने वहाँ रात को स्टे किया था। अब हम पहुँच गए हैं नैनीताल, यहाँ से हार्डली 5 किलोमीटर है। उसके बाद हम सीधा दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाने के बाद मेरे भाई का जो रिसेप्शन है आज वो हम अटेंड करेंगे शाम को, और फिर आपको वहाँ पे पूरा दिखाएंगे कैसा रहा हमारा रिसेप्शन। आपको भी हम साथ में रखेंगे गाइस, तो मिलते हैं आपको वहीं पर। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं गाज़ियाबाद रिसेप्शन पे और यहाँ चल रही है फुल ऑन पार्टी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हम यहाँ पे चल रहा है डांस और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ दूल्हा दुल्हन भी दोनों के दोनों डांस कर रहे हैं, जो है बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त। फुल ऑन इन्जॉय किया हम लोगों ने। हम थोड़े क्या, एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक गए थे, ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा थी हमारी। सब लोगों ने इन्जॉय भी किया पर अब थकान भी हो ही गई है। तो गाइस, ये था आज हमका हमारा ब्लॉग। थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी लंबा हो गया है। तो जैसा भी था ये आप लोगों के साथ हमने शेयर किया। अगर आपको पसंद आ गया प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही प्यार अपना देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए डेस्टिनेशन के साथ। बाय बाय।